मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सब जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणंजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार में यह जीव निरंतर परिभ्रमण करते हुए सुख और दुख के बीच में घूमता हुआ आयु पूर्ण करता है और आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है, मरण पर्याय का है, क्योंकि द्रव्य त्रैकालिक होता है, इसलिए द्रव्य का कभी मरण नहीं होता, मरण पर्याय दृष्टि है। इस पर्याय की उत्कृष्टता क्या है? जीव ने एक बार नहीं, अनंतानंत बार इन पर्यायों को प्राप्त किया है। इन पर्यायों को प्राप्त करके अनंतानंत बार मरण को प्राप्त हुआ है और जन्म मरण के बीच में पिसता हुआ प्राणी अपनी इस पर्याय को प्राप्त करके, वैसे तो इसने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असंगी तक कितनी पर्याय प्राप्त कर ली, पर वे पर्याय उसके लिए सारभूत नहीं थी, क्योंकि उन पर्यायों में यह जीव सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। इस चक्र में क्रम क्रम से चलते हुए इस जीव ने अनेक अनेक बार, या यूं कहे अनंतानंत बार मनुष्य भव को भी धारण किया, अनंतानंत बार जैन कुल को धारण किया, अनंत अनंत बार भगवान जिनेंद्र की पूजन की, अर्चना की है, भक्ति की है, फिर भी सम्यक दर्शन से अभिभूत नहीं हो पाया, इसलिए इसकी सारी की सारी पर्याय सार भीन चली गई। कई बार मनुष्य जन्म प्राप्त किया, कई बार जैन कुल प्राप्त किया, सम्यक दर्शन से भीन रह गया और इसने अपनी इस मनुष्य पर्याय को व्यर्थ ही यूं ही नष्ट कर दिया। सार क्या है? इस मनुष्य देह का यदि सार कोई कहे, इस मनुष्य देह का यदि कोई सार कहे, उसका नाम रत्नत्रय धर्म है। जिल कुल में उत्पन्न होने पर जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि यह जीव अपने आप को रत्नत्रय से सुशोभित नहीं कर पाया तो इसका सारा का सारा पूर्व का पुरुषार्थ नष्ट होगा, व्यर्थ हो गया। रत्नत्रय बड़ी दुर्लभ वस्तु है। अनंतानंत बार इस जीव ने मरण किया, अनंतानंत बार इस जीव ने मरण किया, एक बार भी सम्यक पूर्वक इसने समाधि मरण नहीं किया, एक बार बस, एक बार यह जीव पंडित मरण कर ले, एक बार बस, एक बार यह जीव पंडित मरण कर ले, इसका संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है, अत्यंत न्यून हो जाता है। एक समाधि मरण सैकड़ों हजारों भवों को नष्ट करने वाला होता है, ऐसा आचार्य भगवंत परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में योगेंद्र देव आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। एक बार, मात्र एक बार इस जीव ने यदि पंडित मरण कर लिया, उसके भव भव शांत हो जाते हैं, भव भव नष्ट हो जाते हैं। ये जो भवों की संतति चली आ रही है, इसी कारण से चली आ रही है, क्योंकि यह जीव सम्यक बोध नहीं कर पाया, सम्यक बोध नहीं कर पाने से समाधि मरण को प्राप्त नहीं हुआ, और समाधि मरण को प्राप्त नहीं हुआ इसलिए जन्म मरण की संतति निरंतर निरंतर चक्री की तरह चली आ रही है। जैसे जैसे कुम्हार का चाक घूमता है,
और उस चाक में लगे हुए जो आरे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक आरा निरंतर आता जाता रहता है। इसी प्रकार से इस जीव की समाधि मरण नहीं करने के कारण इस जीव की निरंतर निरंतर एक के बाद एक पर्याय चली आ रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, चली आ रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं। क्रम भंग नहीं हो पा रहा, क्रम भंग नहीं हो पा रहा, आवृत्ति नष्ट नहीं हो पा रही है, बारंबार यह आवृत्ति चली आ रही है। कैसे नष्ट हो, कैसे नष्ट हो? तो कल अपन ने समझा था कि जैसे वह दुर्गंध शारीरिक को धारण करती हुई भी कन्या, दुष्कुल में उत्पन्न हुई कन्या और शरीर से घृणित, कुरूप भावों से भी कुरूप, पुण्य से क्षीण, पर एक छोटे से संस्कार ने, एक छोटे से नियम ने उस जीव को इंद्र जैसी विभूति प्रदान कर दी, ग्रेवियक में पहुंचा दिया, स्वर्गों में बाहर वे स्वर्ग तक लेकर चला गया, एक छोटा सा पुण्य की कणिका, एक छोटा सा कृत्य, सुकृत्य। इसलिए ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये कथा जीव के भावों की दशा को बदलने के लिए एक यंत्र है, एक मंत्र है, एक तंत्र है। मंत्र अलग होता है, तंत्र अलग होता है, यंत्र अलग होता है। ये भावों की दशा बदलने की एक मशीन है। इसलिए जब इन कथाओं को पढ़कर, जब हम इन कथाओं का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमारे जीवन में हमने उस उत्कृष्ट अवस्था को आज तक प्राप्त किया कि नहीं किया। यदि कोई एक जीव संसार में भ्रमण करते हुए एक छोटे से नियम से सम्यक्त को ग्रहण कर लेता है, एक छोटे से नियम से स्वर्गों का देव हो जाता है, एक छोटे से नियम से ग्रेवियक चला जाता है, फिर वही एक छोटे से नियम से वही जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो गया। एक छोटा सा नियम उसने अपने जीवन में, एक छोटा सा नियम ही तो लिया था, एक मुहूर्त का भोजन का त्याग किया था उसने, एक मुहूर्त का भोजन का त्याग, और उस एक मुहूर्त के भोजन के त्याग ने उसे परमात्मा बना दिया। क्रम क्रम से बढ़ते गया संस्कार, पड़ता गया, बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो जीव इंद्र की विभूति को प्राप्त होते हुए और मोक्ष चला गया। इसलिए अपने जीवन में इस मनुष्य देह को प्राप्त करके यदि हम कुछ भी नहीं कर पाए तो सारा मनुष्य जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। ये चंदन के मूठे, चंदन के वृक्ष यूं ही जला करके राख हो जाएंगे, और थाली मांजने की बात, राख थाली मांजने के काम आएगी और फिर किसी काम में नहीं आ पाएगी। इसलिए बहुमूल्य जीवन की सार्थकता को समझना चाहिए। धिक्कार है उन जीवन के, धिक्कार है उन जीवों के परिणामों को कि एक छोटे से छोटा नियम भी लेने इसके पहले उनको 1000 बार सोचना पड़ता है। और धन्य है उनके परिणाम कि महाव्रत जैसे बड़े बड़े नियमों को, महाव्रत जैसे महान दुर्धर तपों को वे जीव ऐसे खोटे पंचम काल में भी धारण किए बैठे हुए। धन्य ऐसे जीवों के परिणामों। मिलिए दशानंद से, भगवान जिनेंद्र के मुख से वाणी सुनकर के भी उसके भाव महाव्रतों को, अणुव्रतों को धारण करने के नहीं हो पा रहे। ये तो जीव की दशा है, ऐसी संसार में जीव की दशा है। ये कर्म बहुत रुलाते हैं, ये कर्म बहुत रुलाते हैं। कोई कितना भी करे, कहे कि कर्म कुछ नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर्म संसार में महाबली हैं और कर्मों को बेही जीत पाते हैं, कर्मों को बेही जीत पाते हैं। जो कर्मों के मंदता होने पर उस समय का सदुपयोग कर लेते, कर्मों की जब विकलता चलती है, कर्मों की जब तीव्रता होती है, उस समय आपका पुरुषार्थ काम नहीं करता। सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयास उस समय विफल हो जाते हैं जिस समय कर्मों की तीव्रता चलती है। इसलिए एक योद्धा की भांति अच्छे अवसर का हमेशा इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। करते रहो पूजन पाठ करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते रहो, व्रत उपवास करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते रहो,
और जैसे ही कर्मों की मंदता हो, अंदर में वैराग्य की एक छोटी सी भी कणिका उत्पन्न हो, तुरंत संयम धारण कर लो, काम बन जाएगा। और उस समय संयम धारण नहीं कर पाए, आपका काम बिगड़ जाएगा। जैसे ही कर्मों की मंदता हो, तुरंत चोट कर देना चाहिए, तुरंत तुरंत अनुव्रतों को और महाव्रतों को धारण कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उस समय यदि सोचने विचारने में समय बर्बाद कर दिया तो आपका काम बिगड़ जाएगा, नहीं बनते भाव, नहीं बनते भाव। जब कर्मों की प्रचंड सत्ता बैठी होती है, उस समय जीव प्रयास भी करे तो भी निमित्त नहीं मिलते उसको। कभी काल का निमित्त नहीं मिलेगा, कभी जिन देशना का निमित्त नहीं मिलेगा, कभी शरीर लंगड़ा अलूला अंधा काना हो जाएगा तो शरीर का निमित्त नहीं मिलेगा। अभी आपको पता नहीं है, जितने लोग भगवान की भक्ति से, अभिषेक से, पूजन से विमुख हैं, उन लोगों को अभी आपकी इस उपलब्धि की सार्थकता का आपको ज्ञान नहीं है, आपको भान नहीं है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के चरणों से आप दूर पड़े हो। उन जीवों से मिलो, उन जीवों से मिलो जिनके शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया है कि उसके कारण से वे जीव भगवान की प्रतिमा को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से मिलो, वे आपको बताएंगे कि इस देह की महत्वता क्या है और आपको जो मिला है वह कितना अमूल्य है। उन जीवों से मिलो जिनको ऐसे रोग हो गए हैं जिसके कारण से, अथवा जिनके घर में ऐसी कोई स्थितियां परिस्थितियां पड़ी हुई हैं जिनके कारण से वे मुनिराजों के अंजलि पर एक ग्रास नहीं रख पा रहे हैं, उस व्यक्ति की तड़फन से मिलो, तब आपको पता पड़ेगा कि आपके पास क्या उपलब्धि है। आप तो अभी बेभूल गाफिल निद्रा में पड़े हुए हो, मस्त पड़े हो, मस्त जी रहे हो, कुछ भी नहीं पता है। पुण्य से जो आपको, पुण्य की सत्ता से जो आपको सामग्रियां मिल गई हैं, भोग वस्तुएं मिल गई हैं, पांच इंद्रिय के विषय मिल गए हैं, उन विषयों को भोग आपको सहजता में पुण्य से प्राप्त हो गए हैं, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं है। आप उन भोगों में इतने मस्त पड़े हो कि आपको अपनी अमूल्य इस मनुष्य पर्याय का कुछ भी, इस सत्ता का कुछ भी तनिक भी भान नहीं है। उन जीवों से मिलो। मैंने एक जीव को देखा, योग सागर जी आप भी थे, कहाँ गया के पास, कौन सी जगह, कोडरमा, झुमरी तलैया, नाम सुना झुमरी तलैया, झुमरी तलैया, उसका नाम कोडरमा भी है। अभी हमारे सुयश सागर जी का वहाँ चातुर्मास चल रहा है। हम लोग जब शिखर जी की यात्रा पे थे उस समय झुमरी तलैया में हम प्रवास हुआ, एक महीने का, 20-25 दिन का। उस समय हमने मंदिर आते जाते एक व्यक्ति को देखते थे, उस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, विनोद भैया, न दोनों हाथ और न दोनों पैर, केवल धड़ और सर बस। उस व्यक्ति को देख करके मेरा तो एक एक आत्मा का प्रदेश, एक एक आत्मा का प्रदेश ऐसा संकुचित हो गया। ओ, ऐसे भी जीव जगत में जी रहे हैं, पाप कर्म के उदय से ऐसे भी संसार में जीव हैं। वो रोड पार करता था तो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते, जैसे बच्चे लोग बिस्तर में शाम को मस्ती करते हुए लुढ़कते हैं ना गोल गोल, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते वह जीव रोड को पार करता था। जैसे श्वान भोजन को ग्रहण करता है, बंदर तो कम से कम फिर भी अपने हाथों से खा लेता है, जैसे श्वान, बिल्ली, मार्जार, ये गधे, घोड़े आदि जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे कोई उसके सामने रोटी के टुकड़े या अथवा कुछ सामग्री रख गया, वो बेचारा हाथ है नहीं, पैर है नहीं, काय से खाएगा, इसलिए ऐसे ही मुख से लगा लगा के उस भोजन को खाता था। वो हाथ ही नहीं थे, इतने भी नहीं थे, यहाँ से ही थे, गायब थे हाथ, इतने भी नहीं थे हाथ, कंधे से हाथ थे ही नहीं और यहाँ से दोनों पैर ही नहीं थे, केवल धड़ था और सिर था बस। ऐसे जीवों की दयनीय दशा को देखो, तब आपको पता पड़ेगा कि जैन कुल में जन्म लेकर के आपने क्या प्राप्त किया है। और फिर भी भूल में पड़े हुए हो, फिर भी मस्त सो रहे हो, पता ही नहीं है कि धर्म कर्म की क्रियाएं क्या होते हैं। धन कमाने के पीछे, संपत्ति भरने के पीछे अपने इस मनुष्य पर्याय को यूं ही व्यर्थ नष्ट किए जा रहे हो।
जिससे उत्तम रत्नत्र धन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी उत्तम पर्याय से आप क्या कागज के टुकड़ों को बटोरने में लगे हुए हो, क्या धन धरती को बटोरने में लगे हुए हो, क्या सोने चांदी को बटोरने में लगे हुए हो। ये तो पौद्गलिक द्रव्य हैं, ये तुमसे अत्यंत भिन्न है, इनमें और तुम में अतद्भाव है, ये तुम्हारे ना थे ना है और ना ही कभी हो पाएंगे। लेकिन आत्मा का धर्म तुम्हारा अपना है, उसे क्यों खोते चले जा रहे हो, उसे क्यों नष्ट करते चले जा रहे हो। बड़ा खेद है, कौन कह रहा है ऐसा, बड़ा खेद है कि मेरे अंदर अनुव्रतों को धारण करने के भाव उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा दशानन कह रहा है। एक दिन वह दशानन अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करने गया, जाते समय मार्ग पे स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर उसको एक बहुत आभा दिखाई प्रतीत हुई, और जहाँ तहाँ से देखो तो देव विमान चले आ रहे थे, जहाँ तहाँ से देखो बहुत सारे नर नारी भागे भागे चले आ रहे थे। तब उसको मन में कोलाहल उत्पन्न हुआ, मन में कुछ प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने अपने मंत्री से पूछा, सारथी जो उसका पुष्पक विमान का जो सारथी था, उस पुष्पक विमान के सारथी से उसने कहा कि इतना प्रकाश पुंज कहां से दिखाई दे रहा है, और ये देव विमान कहां की तरफ चले जा रहे हैं, अचानक क्या ऐसा हो गया, इतने सारे देव एक साथ कहां चले जा रहे हैं, और नीचे देखते हैं तो बहुत सारे नर नारी भागे भागे चले जा रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तब उस सारथी ने दशानन को कहा, हे दशानन, हे स्वामिन, इस स्वर्णगिरी पर्वत पर पूर्व में अनंत बल नाम के एक मुनिराज तपस्या करते थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन अनंत बल मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है, और उनकी केवल ज्ञान रूप उस दिव्य पुंज की वंदना करने के लिए ये सारे के सारे देवतागण भागे भागे चले आ रहे हैं। उन केवल ज्ञान पुंज के प्रभाव से ही यह प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, यह उन्हीं का आभामंडल है जो चारों ओर प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहा है, और लगता है सब नगरवासियों को देशवासियों को इस बात का ज्ञान हो गया कि भगवान केवली को अनंत बल स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए उन्हीं की भाषा उन्हीं की देशना को सुनने के लिए गंधकुटी की तरफ वे सभी जीव भागे भागे चले जा रहे हैं। तीर्थंकर नहीं थे इसलिए समवसर नहीं लगता, वे केवली थे इसलिए उनकी गंधकुटी लगती है। गंधकुटी में और समोषण में भेद होता है, अंतर होता है। समोषण सात भूमियों से युक्त होता है, आठवीं भूमि में समोषण का अंतिम भूमि जिसको जिस पर 12 सभाएं लगती हैं, ऐसी आठवीं भूमि होती है। समोषण में 12 सभाएं बनी होती हैं जिसमें देव देवी त्रियंच आदि सभी उसमें बैठते हैं, मुनिराज आरिका आदि सभी बैठते हैं, सबके अलग अलग कोटे बने होते हैं। तीन कटनियाँ होती हैं, उन तीन कटियों के ऊपर कमलासन होता है, जिस कमलासन पर चार गोपुर द्वार होते हैं, उन पर यक्ष आदि खड़े होते हैं, और तीन कटियों पर कमलासन होता है, उस कमलासन पर भगवान जिनेन्द्र तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। गणधर परमिष्ठी आदि होते हैं, उत्तम श्रोता पात्र होते हैं, आदि आदि विभूतियाँ होती हैं, 64 चबर दुलते हैं, 3 छत्र लगते हैं, आदि आदि विभूतियाँ भगवान जिनेन्द्र की होती हैं, वह समोषण सभा होती है। लेकिन गंधकुटी में ना 12 सभाएं लगती हैं, ना 8 भूमियाँ होती हैं, ना ही वहाँ पर गोपुर द्वार आदि होते हैं, मानस्तंभ आदि होते हैं, सामान्य जो त्रिकटनी होती है वैसे ही त्रिकटनी के ऊपर कमलासन पर भगवान विराजमान होते हैं। ये उनकी प्रवचन सभा गंधकुटी सभा कहलाती है। ऐसी उस गंधकुटी सभा के बारे में जब सारथी से दशानन ने जाना, तब उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, और
भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने की उसके अंदर बहुत भावना उत्पन्न हुई और उसने अपने विमान को तुरंत ही नीचे उतारा। नीचे उतार कर उस स्वर्णगिरी पर्वत पर जहाँ भगवान जिनेंद्र अनंत बल केवली स्वामी की गंधकुटी लगी हुई थी, वहाँ उसने बड़े भक्ति भाव से और अपने पूरे दल बल के साथ प्रवेश किया। प्रवेश करके वहाँ उसने